नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामा लोन स्वयं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक प्लांट है सिंगोनियम का मेरे पास, जिसको एरो हेड भी बोलते हैं। तो मैं आज उसके जो मल्टीप्लाई उसको हम कैसे कर सकते हैं वो आपको बताऊं, कैसे उसके जो बेबी प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम उसको एज ए कटिंग ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मनी प्लांट होता है सेम वैसे उसके अंदर भी जो एरियल रूट्स है वो ग्रो कर जाती है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए प्लांट के पास चलते हैं। ये देखिए हमारा अरबी का प्लांट है और इसकी भी शेप कुछ कुछ एरो हेड जैसी है। आगे से थोड़ा सा नुकीला कम है, अदरवाइज इसकी जो लीव्स है और जो एरो हेड की लीव्स है वो सेम इसी तरह से होती है। इसके पत्ते का साइज आप देख सकते हैं मेरे हाथ के हिसाब से कितना बड़ा है। कि अरबी को हमने कैसे ग्रो किया था तो उसका वीडियो चेक कर लीजिए, यहाँ आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये हमारा सिंगोनियम का प्लांट है। मैंने एक प्लांट यहाँ पानी की टंकी के पास लगा दिया ताकि इससे हम मल्टीप्लाई करते रहें। तो इससे मल्टीप्लाई करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप इसको एज ए कटिंग ग्रो कर सकते हैं, इसकी डायरेक्ट कटिंग भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इस पे जो एरियल रूट्स है वो ग्रो कर जाती है। और बारिश के सीजन में आप देखेंगे तो देखिए इस तरह से जो एरियल रूट्स है बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। इस तरह से हम इसकी जो एरियल रूट्स वाली जो कटिंग है वो लेंगे तो प्लांट जल्दी ग्रो करेगा। अगर आपके पास आपके प्लांट पे एरियल रूट नहीं भी आई है तो भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो भी इजिली ग्रो कर जाती है। और इसको भी आप जैसे मनी प्लांट को ग्रो करते हैं पानी के अंदर तो वैसे भी ग्रो कर सकते हैं। पहले ही जैसे कि ये प्लांट देखिए काफी बड़ी हो गई और मैं सोच रहा हूँ इसमें से हम कुछ पार्ट बना के इसके अलग अलग लगा दें। देखिए यहाँ पे मैंने दो प्लांट पहले ही लगा दिए थे इसमें से, तो आज आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। जो ब्रांचेज इन पे रूट्स वगैरह आ गई है उनको हम रिमूव कर लेंगे। एक मैं इसकी ये रिमूव कर लेता हूँ, इस पे तो पहले से काफ़ी रूट्स हैं। ये इसकी कटिंग जो हमने ली है इस पे रूट्स ज़्यादा है और इस पे रूट्स कम है। तो इस तरह की जो ब्रांच है, इस तरह की ब्रांच को हम किस तरह से तैयार करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका जो ये हिस्सा है जो ऊपर का ये डंठल है सिर्फ जिस पे लीव्स नहीं है इसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से इसको यहाँ से हटा देंगे। इसकी जो रूट्स है वो यहाँ पे आती है जहाँ पे लीफ होता है, तो लीफ के जस्ट ऊपर का हिस्सा जो है वो हम कट कर देंगे। आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं तो ये एक प्लांट हमारा बन जाएगा, यानी कि एक लीफ और एक प्लांट तैयार होगा। यहाँ पे अभी इसके रूट्स नहीं है, जैसे हम इसको पोर्ट करेंगे उसके बाद इसमें रूट्स स्टार्ट हो जाएगी और ये एक प्लांट बन जाएगा। इसकी जो नई लीव्स है वो इस लीव्स के अंदर से यहाँ से निकलेगी, तो एक प्लांट हमारा ये बनेगा। और सेम देखिए यहाँ पे इस लीफ के अंदर जो रूट्स है वो थोड़ी सी आ गई है, यहाँ पे एक छोटी सी रूट यहाँ पे है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। ये देखिए यहाँ से और इसके जस्ट ऊपर से, तो एक प्लांट हमारा ये हो गया। दो प्लांट हमने तैयार कर दिए। अब देखिए इसमें एक प्लांट और निकलेगा, बीच के स्टिक को लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ से कट कर देंगे और जो ऊपर का ये डंठल है इसको हटा देंगे, सिर्फ लीफ को रखेंगे। तो ये हमारी कुछ तीन कटिंग्स जो है वो हमने ले ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पॉट है जैसे कि मैं ये थर्माकोल के जो ग्लास है वो लूँगा और इसके अंदर बहुत ये इजी बहुत है, इसके अंदर क्या है सिर्फ हल्का सा एक यहाँ पे होल करेंगे और उसके बाद मैं इस होल को इस तरह से करके छोड़ दूंगा। इससे क्या है पानी रुकेगा भी नहीं और इसके नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं होगी। प्योर चिकनी मिट्टी आप यूज़ मत कीजिए, बालू रेत है तो वो यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड करके। मैं इसमें सिर्फ जो बालू रेत है वो यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, तो इसके अंदर हम बालू रेत यूज़ कर देंगे। सोइल हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद जो कटिंग हमने तैयार की थी ये, इसको हम इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे। अब देखिए जो प्लांट है इसमें और मिट्टी जो है वो ऐड कर देंगे ऊपर से और उसके बाद इसके अंदर वाटरिंग कर देंगे। बस इतना ही आपको करना है। और इसको रखना कहाँ पे है, इसको आप अगर आउटसाइड रखते हैं तो शेडी एरिया में, यानी किसी प्लांट बड़े ट्री के नीचे रख दीजिए, या इंडोर रखते हैं तो इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसको मॉर्निंग की सनलाइट मिले और ब्राइट लाइट इसको पूरी मिले, तभी आपका जो प्लांट है ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इसका ये हिस्सा बंद मत कर दीजिएगा, जहाँ यहाँ से इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होगी तो इस हिस्से को हम छोड़ देंगे। बाकी के जो दो प्लांट है वो हम इसी तरह से ऐड कर लेते हैं। सेम इसको यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसका मिट्टी में इस तरह से गाड़ देंगे, तो इस तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, यानी कि एज ए कटिंग इसको ग्रो कर सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर वाटरिंग कर देते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट जो तरीका है इसका वो बताता हूँ, यानी कि इनके जो बेबी प्लांट ग्रो होते हैं उनसे भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं। एक छोटा सा बेबी प्लांट है इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है, तो ये इसका बेबी प्लांट है, यानी कि ये अपने आप ग्रो हुआ था और इसको भी हम सिंपल वैसे ग्रो करेंगे। इसकी जो रूट्स है वो आप देख सकते हैं क्योंकि ज़मीन में था, तो इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी है और हेल्थी है। ग्लास को पहले हाफ भर लेंगे, हाफ मिट्टी का भरने के बाद उसके अंदर जो प्लांट है इसकी जो रूट्स है वो डाल देंगे। अगर रूट्स बड़ी है तो मिट्टी थोड़ी कम कर देंगे। पॉट में मिट्टी डालने के बाद हम जो प्लांट है इसको लगा देंगे।
इस तरह से। अब इसके अंदर जो मिट्टी है वो ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर जो वाटरिंग है वो कर देंगे। ये देखिए जो सोइल है वो आपका वेल ड्रेन होना चाहिए। और दोस्तों तो इस तरह से सिंगोनियम जो है एरो हेड उसको आप ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, बेबी प्लांट से, और जो एरियल रूट्स ग्रो होती है उन ब्रांचों से। ये बहुत ही ईजी है। और अगर इसकी केयर की बात की जाए तो इसकी ज़्यादा केयर आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि तेज हीट वाली गर्मी और हम इसको रूम में रख देते हैं तो उससे क्या उमस जो रूम में बनती है उससे प्लांट जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करें, किसी बड़े ट्री के नीचे छाया में रखें या बरामदे में रखें जहाँ पे खुली हवा हो यानी कि उमस ना बने, या आप बाहर रखते हैं तो किसी बड़े ट्री के नीचे रखें। ओके दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।